Assalamu alaikum. Today we will discuss third part. Although I have discussed little bit part of this chapter in WhatsApp group, लेकिन मैं तो भी आपको दोबारा से इसका revision दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत quick आपको description दिया था International Bank का और WHO का और UNICEF का, और आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से फिर से revision दे देती हूँ. Okay, so I'm gonna start. There are several specialized body associated with the work of UN. Some of these are the part of UN. देखो, मैं आपको ये बात नहीं बताई थी कि there are many bodies of UN. अब इसमें से bodies आप समझते हो, जैसे कि हमने अभी International Bank, WHO, UNICEF, UNESCO, ये सारे इसके body part है. समझो आपके कैसे body part होते हैं, eyes, nose और ये समझ लो, ये UNO के ऑर्गन्स हैं. अब इसकी कुछ बॉडीज़ हैं ना, उसकी हैं UNO के अंडर ही काम कर रही है, और कुछ इसकी जो बॉडीज़ हैं, कुछ इसके ऑर्गन्स हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है. सम आर इंडिपेंडेंट, देखो आपको नज़र आ रहा है, सम आर इंडिपेंडेंट एंड क्लोजली लिंक्ड विद द वर्क ऑफ द UN. वी कैन रेफर हियर टू द वर्क of only a few of these important bodies. वैसे बहुत ज़्यादा bodies हैं, आप internet खोलेंगे तो इतनी bodies होंगी जिनके तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे. ओके, यहाँ पर बहुत कम bodies को discuss करेंगे, जैसे International Bank, UNICEF, WHO, UNESCO, FAO, आपने IMF भी सुना होगा जो इसमें नहीं discuss हो रहा है, और भी बहुत सारी है जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, वो इसका हिस्सा होगी. ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल बैंक. देयर इज़ अ इंटरनेशनल बैंक विच लैंड मनी टू मेंबर नेशन फॉर कैरिंग थ्रू सम वर्क ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. देखो, ये सिर्फ मेंबर कंट्री को पैसे देती हैं. जो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जो UNO का पार्ट नहीं है, दे डोंट गिव मनी टू डैम. ये मनी जो कि देती है, लैंड करती है ओनली टू द मेंबर कंट्री फॉर द पब्लिक इम्पोर्टेंस वर्क. कौन से वर्क के लिए देती है? पब्लिक के काम के लिए देती है. जैसे फॉर इंस्टेंस, आपके इलाके में लाइट नहीं है, आपके इलाके में पानी नहीं है. अब ये इलाके की बात है ना, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ आपके इलाके में. अगर पूरे कंट्री में ये सिचुएशन है या पूरी एक सिटी में सिचुएशन है, देन UN क्या करती है, उस पर काम करती है. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में जो एजुकेशन है ना, वो बहुत कम है. सो UNO वर्क ऑन दैट मैटर. अब देखो, आपको कितने NGOs नज़र आते हैं, कुछ कुछ ऐसी, जैसे कि देखो कलियारी में किरण फाउंडेशन है. आपको किरण फाउंडेशन पता है, पहले ये DCTU स्कूल था, अब इसको है ना NGOs ने ऑन कर दिया. अब NGOs वगैरह काम वर्क करती है, ये भी UNO का ही पार्ट होती है. सो आप देख सकते हो, फिर फिर आपको मल्टीपल एग्जांपल मिलेगी. आप देखें, आपके दरवाज़े पर जो पोलियो के कतरे फिलाने के लिए भी आते हैं ना, वो भी किसका पार्ट है, वो भी UNO का ही हिस्सा है. हम यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक डिस्कस कर रहे थे. आप देखें, पब्लिक इम्पोर्टेंस का ऐसा क्या काम है जो पब्लिक के लिए हो, वो है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, रोड, रेलवे, कैनाल्स और फ्लड कंट्रोल. An example of wonderful effect of one of these lawn is founded in a small village. अब यहाँ पे एक small village की बात हो रही है. They gave money to them. अब किसको दिया था? On the west coast of Mexico. They have given money to the Mexico. और Mexico भी किसके से को दिया था? Village को दिया था. Why they have given money to Mexico? In 1951, कब की बात कर रहे हैं? They are talking about 1951. The bank gave loan for the power plant. किसके लिए दिया था? Power plant के लिए दिया था. अब इसकी वजह से, अब power plant पे वो काम कर रहे थे, electricity पे काम कर रहे थे. अब due to this क्या क्या हुआ वहाँ पे? Within 3 years population increased 3-fold. अब वहाँ पे population भी कम थी, जैसे बात है जब light नहीं होगी तो वहाँ पे population भी थोड़ी इतनी होगी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर काम किया, सो देयर पॉपुलेशन इंक्रीज. और कितनी इंक्रीज हुई? 3 गुना इंक्रीज हो गए. इंडस्ट्रियल यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज फ्रॉम 3 to 33. अब देखो, इंडस्ट्रीज
वहाँ पे 3% तक काम होता था, अब कितना होने लगा 33%। द टाउन स्टार्टेड रेडियो स्टेशन, अब टाउन में क्या स्टार्टेड हो गया, रेडियो स्टेशन, डेली न्यूज़पेपर एंड अ नाइट स्कूल। ओके, देयर आर 7 टाइम हैज़ मेनी चिल्ड्रन इन द स्कूल एज देयर आर बिफोर द इलेक्ट्रिक प्लांट वॉज बिल्ड। अब देखो गर्ल्स, यूएनओ का काम क्या था, टू स्टॉप वॉर एंड क्रिएट पीस, हमने यही पढ़ा था, इट वाज द एम ऑफ द यूएनओ। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये वॉर्स वगैरह क्यों होती है, ड्यू टू सोशल एविल, और सोशल एविल में ये भी हिस्सा है कि लोगों की बेसिक नीड को पूरी ना करना, अगर बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, झगड़ा करेंगे। फॉर इंस्टेंस आपके इलाके में अगर पानी नहीं है, पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ वो अपने कैंस लेकर घूमोगे कि कोई हमें पानी दे दें, लाइंस में लगोगे, लाइंस में एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। एंग्जाइटी वगैरह कैसे आती है जब आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती, तो यूएनओ वर्क्स ऑन दिस इशू। इसने मेक्सिको में क्या आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या काम किया, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर काम किया, तो वहाँ पे पॉपुलेशन 3 गुना हो गई, इंडस्ट्रियल यूज़र भी 33% हो गए, दे स्टार्टेड न्यूज़पेपर, दे स्टार्टेड रेडियो स्टेशन, दे स्टार्टेड नाइट स्कूल। अब दूसरे ऑर्गन की तरफ आते हैं। ओके, द नेक्स्ट ऑर्गन इज यूनिसेफ। यूनिसेफ की पूरी एब्रिवेशन मैं बताती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि नेट पे और कुछ कुछ नोट्स में ये एब्रिवेशन गलत लिखी जाती है। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशन, सी फॉर चिल्ड्रन, और ई फॉर एमरजेंसी। मैं बार बार बता रही हूँ, ई फॉर एमरजेंसी, नॉट एजुकेशन। ओके, ई फॉर एमरजेंसी, एफ फॉर फन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशन, चिल्ड्रन, एमरजेंसी, फन। ओके, अब ज़रा कॉन्सनट्रेट करो ऑन चिल्ड्रन। ओके, सी फॉर चिल्ड्रन, सो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि दिस ऑर्गन वर्क फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आप इसमें पढ़ते हैं कैसे बेटरमेंट, देयर इज़ अ यू एन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ आर 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 फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशलाइज इन रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन। अब ये किसके लिए काम करती है, मैंने अभी आपको बताया, दे वर्क फॉर द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन की क्या क्या नीड हो सकती है, चिल्ड्रन की नीड एजुकेशन भी हो सकती है, चिल्ड्रन की नीड हेल्थ भी हो सकती है, चिल्ड्रन को डिजीज भी होती है, हर चीज़ को ये यूनिसेफ देख रहा होता है, लेकिन किसके, सिर्फ चिल्ड्रन को देख रहा होता है, अडल्ट को ये डील नहीं करता, सिर्फ चिल्ड्रन की प्रॉब्लम को डील कर रहा होता है। दे आइडेंटिफाई चिल्ड्रन प्रॉब्लम एंड दे ट्राई टू सॉल्व दैट। अब आते हैं WHO। WHO की एब्रिवेशन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके लिए इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ये टेम्प्रेरी वर्क भी कर रहा था, फिर थोड़े अरसे के बाद ये परमिनेंट भी हो गया था, तो हम देखते हैं कब ये टेम्प्रेरी था और कब ये परमिनेंट हुआ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड इन 1946, याद रखें, ये MCQs में आता है, इसलिए मैं WHO पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। ओके, इट वाज स्टार्टेड इन 1946, बट द परमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू बीइंग द 7 अप्रैल 1948, 2 साल के बाद ये परमिनेंट हुआ था। प्रीवियसली इट वर्क्स एज अ टेम्प्रेरी ऑर्गन टू वर्क इन द इंटरनेशनल हेल्थ, यही इंटरनेशनल हेल्थ को डील कर रहा होता है, दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ उसको डील कर रहा होता है, जैसे TB हो गई, एड्स हो गया। आप देखो, आपके, मैंने अभी आपको कहा था आपके दरवाजे पर जो पोलियो वाली आंटी आती है ना, इसको जो इंजेक्शन है, ये वैक्सीनेशन कौन दे रहा होता है, ये WHO दे रहा होता है। आप देखें, कुछ कुछ लोग जैसे पठान फैमिली वगैरह या कुछ ऐसी फैमिली होती है ना, वो ये नहीं पिलाती, ये वैक्सीनेशन नहीं कर रही होती, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद WHO से आया है तो पता नहीं क्या होगा अंदर। मुझे वैसे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो क्यों नहीं पिलाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, सारी वैक्सीनेशन कहाँ से आ रही होती है, WHO से आ रही होती है। फॉर इंस्टेंस, अभी जो कोरोना वायरस के ऊपर भी सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है ना, वो WHO है, सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और वैक्सीनेशन के ऊपर जो काम कर रहा है वो है WHO। अब आते हैं, नाउ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डे। अब 7 अप्रैल को आप ये याद रखना, वी सेलिब्रेट 7 अप्रैल एज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। WHO एडवाइस मेंबर भी क्या करता है, WHO एडवाइसेस मेंबर कंट्री टू पब्लिक हेल्थ ऑन द कंट्रोल ऑफ द डिजीज एंड मेक
war on many widespread disease in the Tarai district of Uttar Pradesh. Now they are talking about Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a city of India. Malaria has been wiped out by WHO. अब देखो इंडिया के एक शहर उत्तर प्रदेश में कौन सी बीमारी ज़्यादा widespread थी? It was malaria. And people were dying of this disease. बहुत सारे लोग मर रहे थे. WHO was very active in this regard. और इसने क्या क्या ज़रा देखते हैं. By WHO team enabling farmer to raise their output by the 50%. An example of UNICEF and WHO. अब देखते हैं कि UNICEF कभी कभी ऐसा होता है WHO UNICEF साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज़ होती है बच्चों की होती है, और बच्चों की डिजीज़ की बात हो रही है तो UNICEF भी एक्टिव होगा और WHO भी एक्टिव होगा. अब देखते हैं कौन से ऐसी बीमारी थी जिसके लिए दोनों ने साथ काम किया है, UNICEF और WHO ने साथ काम किया है. यॉस की डिजीज़ के लिए, यॉस की डिजीज़ स्कीन डिजीज़ है. ये हॉट वेट क्लाइमेट में होती है. अगर नेट पर सर्च करेंगे तो रेडिश किस्म के आपके स्किन पर निशान हो जाते हैं अगर यॉस की बीमारी होगी. एंड दिस डिजीज़ वॉज फाउंड इन इंडोनेशिया. अब देखते हैं दोनों ने साथ मिलकर कैसे काम किया. टू वर्क अगेंस्ट यॉस अ डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट फ्यू डाई ऑफ यॉस एंड मैनी बिकम्स हेल्पलेस लाइफ ऑन द बर्डन ऑफ डियर रिलेटिव्स. आगे देखते हैं, आगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा. इंडोनेशिया एज सून एज बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन आस्क्ड द यूएन टू हेल्प इन दियर वॉर अगेंस्ट यॉस. अब जो ये बीमारी थी ना, इट वॉज फाउंड इन इंडोनेशिया. ये भी MCQs में आता है. मलेरिया वॉज इन उत्तर प्रदेश और यॉस वॉज इन इंडोनेशिया. ओके आगे बढ़िए. देयर वर सेट टू बी द 10 million केसेस इन द कंट्री. कितने ज़्यादा केसेस आए थे ये भी याद रखना है. 10 million केसेस आए थे व्हेन द वर्क विद चेकन अप इन 1950 की बात हो रही है. यूनिसेफ सप्लाइड मेडिसिन. अब यूनिसेफ ने क्या काम किया था. यूनिसेफ वॉज सप्लाइंग मेडिसिन टू द इंडोनेशिया एंड अदर रिक्वायरमेंट एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, सेंट मेडिकल एक्सपर्ट. अब WHO ने मेडिकल एक्सपर्ट भेजे थे टू ट्रेन इंडोनेशियन वर्कर. अब देखो ज़्यादातर डिजीज़ की जो नो हाउ होती है ना, वो WHO को होती है, क्योंकि WHO के अंदर बहुत एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं. साइंटिस्ट भी हैं और बहुत सारे मेडिकल स्टाफ से भी ताल्लुक रखते हैं, सो उन्हें ज़्यादा नो हाउ होती है. तो WHO इंडोनेशिया में ट्रेन कर रहा था मेडिकल स्टाफ को और यूनिसेफ मेडिसिन दे रहा था. इंडोनेशिया सप्लाई बिल्डिंग वर्क एंड ऑल द रिक्वायरमेंट दैट डिड हैव टू बी कम फ्रॉम अब्रॉड. ओके ये काम था किसका, WHO का, और साथ साथ यूनिसेफ भी एक्टिव था इसमें. आगे देखते हैं किसकी बात होती है. इन 4 ईयर यूनिसेफ की बात हो रही है. आगे देखते हैं. इन 4 ईयर द 100 ऑफ मेडिकल टीम ट्रेन बाई WHO. कितने लोगों को ट्रेन किया, रिमेंबर दिस थिंग. 4 ईयर्स के बाद 100 ऑफ मेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया किसने, WHO. सप्लाइड विद द ट्रांसपोर्ट एंड मेडिसिन बाई यूनिसेफ. यूनिसेफ ने क्या मेडिसिन प्रोवाइड किए. हैड एग्जामिन व्हेन द मिलियंस ऑफ पीपल एंड क्योर. अब कितने लोगों को क्योर किया गर्ल्स के, देख सकते हैं 13 millions की बात हो रही है. व्हेन हैड योर्स मैनी विलेज आर फ्री फ्रॉम योर्स. अब सारी विलेज फ्री हो गया था. Another few years, practically the whole country will be free from it. Okay, अब देखो कोरोना भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में ख़त्म हो रहा है, आप देख रहे हो, ड्यू टू अवेयरनेस. और ये अवेयरनेस कौन क्रिएट कर रहा है, WHO क्रिएट कर रहा है. आगे FAO की तरफ आते हैं. FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. हंगर इज़ अ स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. देखो दुनिया में हंगर भी होगी, भूख होगी, तो इंसान क्या करेंगे, चोरी करेंगे तो वॉर होगी, ऑफ कोर्स ही बात है. एंड ये हंगर की जो स्पेशली प्रॉब्लम है, इट वाज फाउंड इन अफ्रीका. आपको पता है अफ्रीका में कितनी ज़्यादा ये भूख अफलास फैला हुआ है. आप ज़रा सर्च करके गूगल पर देखेंगे, उनकी पिक्स देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. मतलब हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. लेकिन तो मैं बता दूँ, ये जो UNO का दूसरा वर्क जो है वो है फूड, और फूड को प्रोवाइड करना.
अब देखो, अगर दुनिया में पॉपुलेशन है ना, इट इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो वी नीड मोर फूड। अब कराची की पॉपुलेशन आप पहले देख लें, 20-25 साल पहले क्या थी और अभी क्या है। तो दुनिया की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है। अब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड कम हो रहा है, तो आप देखते हैं ये चिकन्स वगैरह को इंजेक्ट किया जाता है, आपको ये पता ही होगा। और ये जो आपके वेजिटेबल्स वगैरह भी आती है ना, उसमें भी कुछ केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, सो इट ग्रोज फास्ट, ओके, ताकि वो जल्दी से उग जाएँ, ताकि आपको मिल जाए फूड। ये सारे काम कौन कर रहा होता है? ये FAO कर रहा होता है। अब देखते हैं आगे और क्या इसमें मेंशन है। विच वॉज स्टार्टेड इन 1943, कब स्टार्ट हुआ था FAO? 1943 में। इट्स सेन एक्सपर्ट टू हेल्प द कंट्री दैट वॉन्ट हेल्प एंड हाउ टू ग्रो मोर फूड एंड अदर क्रॉप्स एंड हाउ टू कंट्रोल प्लांट एंड एनिमल डिजीज एंड हाउ टू प्रोटेक्ट फूड इन स्टोरेज इन जनरल हाउ टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ फार्म फिशरीज एंड फॉरेस्ट। ऑल्सो पब्लिश यूजफुल लिटरेचर ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये बहुत ईजी लिखा हुआ है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि एफओ का क्या काम है। वो फूड के ऊपर ही काम कर रहा है कि हाउ टू सेव फूड, हाउ टू इंक्रीज फूड, हाउ टू कंट्रोल डिजीज। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को की तरफ आते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको एब्रिविएशन से ही जाहिर है, एक्रोनियम से ही जाहिर है कि किसके ऊपर काम कर रहा होगा, साइंस कल्चर और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा होगा। एजुकेशन के ऊपर तो आपको काम अपने इर्द गिर्द बहुत मिल रहे होंगे, बहुत सारे NGOs वर्क कर रहे हैं। इविन शहजाद रोए, आपने नाम सुना होगा, इसने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मतलब NGOs के साथ काम करके इसने भी खोली है, शायद दूरबीन नाम है, यस आई एम प्रेटी श्योर दूरबीन नाम है इसकी, इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये बच्चों को, गरीब बच्चों को आई थिंक फ्री में एजुकेशन दे रहा होता है, यूनिफॉर्म्स दे रहा होता है, बुक्स दे रहा होता है। अब देखते हैं यूनेस्को का क्या काम है। द UNO हैज़ अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस नॉलेज साइंस एंड कल्चर बाई विच द पीपल कैन गेट द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड हैबिट ऑफ द माइंड दैट विल बी यूजफुल टू देम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, एजुकेशन इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग, हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई UNO ने ये भी आइडेंटिफाई किया, दिस इज़ अ बेसिक नीड एंड वी शुड वर्क ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं, लेस देन हाफ वर्ल्ड पीपल गो टू स्कूल, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस कैन नॉट रीड और राइट। आप अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हो, अगर आप लियारी में रह रहे हो तो आपको ज़्यादा पता होगा, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल तक नहीं जा रहे होंगे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब ये NGOs काम तो कर रही है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत कम कम पैमाने पर कर रही है, ज़्यादा पैमाने पर नहीं कर रही है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रीड और राइट नहीं कर सकते। प्रोग्रेस कैन नॉट गो फार अलोन मॉडर्न लाइंस वेयर हार्डली एनीबडी कैन रीड, बट द यूनेस्को हैज़ फाउंड आउट दैट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट रीड लर्निंग। आगे नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। ओके, डियर लेटर इज नॉट यूजुअल द नीड टू बिगेंस विद द नीड टू लर्न सम प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट इन दियर वेज ऑफ लाइफ। दे कैन क्विकली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एज गुड आफ्टर दे रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग टू रीड। ओके, यूनिसेफ का मेन एम क्या था कि लोगों को किसकी तरफ लाए, इम्प्रूवमेंट की तरफ लाए। पहले तो सिर्फ उन्हें एजुकेशन क्या है वो बताएं, देन वो लोग बताना चाह रहे थे कि वो रीड की तरफ आए। सबसे पहले तो वो एजुकेशन के लव से ही उन्हें वो कर रहे थे, अवेयरनेस दे रहे थे। अब यूनेस्को का और क्या मेन काम है? यूनेस्को कैन नॉट इट सेल्फ फाइंड द मनी टू टीच हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस टू रीड। देखो, यूनेस्को घर घर जाके पढ़ाता नहीं है। यूनेस्को का मेन एम क्या है? व्हाट इट कैन डू इज टू शो वेरियस मेंबर नेशन हाउ टू गो अबाउट द वर्क टू सप्लाई सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग। यूनेस्को क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड एड्स, ये एड्स देता है और ट्रेनिंग देता है। आ न्यू वेज ऑफ टीचिंग by book, picture, film, radio or workout. The experience is reported to other countries where they may be useful.
क्योंकि यूनेस्को घर घर जाके पढ़ाता नहीं है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एड्स ट्रेनिंग एंड एड्स ओके. यूनेस्को ट्राई टू एडवांस ह्यूमन वेलबींग थ्रू द एजुकेशन साइंस एंड कल्चर. दिस एडवांसेस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विच लीड टू पीस. ओके, ये यूनेस्को जो होता है ना पीस के लिए ही काम करवाता. अब एजुकेशन होगी तो लोग को अवेयरनेस होगी ना व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो पीस की तरफ आएंगे. सो ये था यूनाइटेड नेशन का चैप्टर. आई होप सो आपको समझ में आया होगा. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंफॉर्मेटिव. अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं. इसी वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर था. अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं. ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर. द नेम इज़ माय बैंक अकाउंट एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय स्टीफन लियाकोक. इस चैप्टर में व्हाट यू आर गोइंग टू रीड, यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द फोबिया. आर यू पीपल, डू यू पीपल नो व्हाट इज फोबिया? फोबिया वो होता है एक किस्म का डर. देखो, किसी किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी को स्पाइडर फोबिया होता है. आपको भी किसी ना किसी का फोबिया ज़रूर होगा. जैसे आई हैव हाइट फोबिया. मैं ऊंचाई से देखूंगी मुझे चक्कर आते हैं. तो हर किसी को कोई फोबिया होता है और ये फोबिया ऐसे ही नहीं हो जाता. हमारा कुछ पास का ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि हमारे माइंड में बैठ जाता है. इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. इट स्टोर्स एक्सपीरियंस. हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टोर हुए हैं हमारे पास के एक्सपीरियंस. सो मे बी पास्ट लाइफ में ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से हमें फोबिया हो गया होगा. तो इसमें इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फोबिया. इसमें जो स्टीफन है ना वो अपनी स्टोरी बता रहे होंगे. दिस चैप्टर इज अबाउट बैंक. ओके, हैव यू एवर विजिटेड बैंक? आप लोग ने ज़रूर बैंक को विजिट किया होगा टू ओपन एन अकाउंट. अब आप जो फर्स्ट टाइम बैंक में गए थे, हाउ डिड यू रिएक्ट? क्या आपको पता था वेयर इज़ अ मैनेजर एंड वेयर इज़ कैशियर? कहाँ पे आपको डिपॉजिट कराना है, कहाँ पे कैश करवाना है, हाउ टू ओपन एन अकाउंट? आपको ये सब पता था, नहीं पता था? फर्स्ट टाइम किसी बैंक में कदम रख रहे हैं. मुझे डेफिनेटली, मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, यू पीपल गॉट कन्फ्यूज एट फर्स्ट टाइम क्योंकि आपको पता ही नहीं था वो जगह कैसी है, आपको कहाँ जाना है. आपने गार्ड से लाजमी पूछा होगा कि हमें ये चीज़ करवानी है, हम कहाँ विज़िट करें. सो स्टीफन लियाकोक एक ऐसे पर्सन का नाम है जो फर्स्ट टाइम बैंक में जा रहा है और उसको कुछ नहीं पता कि बैंक किया है. अब वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, सो ही इज़ रियली नर्वस. ये स्टेज पे बहुत ज़्यादा नर्वस है. और जब हम नर्वस होते हैं ना गर्ल्स, इसीलिए कहा जाता है कि आप फियर से फाइट करें, आप किसी चीज़ से डरे ना. जब आप डरते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी करते हो. तो यहाँ पे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जब ऑथर जा रहा होता है तो बैंक में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें भी करता है. वो अजीब हरकतें क्या होगी ज़रा देखते हैं. दिस चैप्टर इज़ रियली इंटरेस्टिंग. लेकिन इस चैप्टर को कहा जाता है जैसे तो फ़नी चैप्टर, लेकिन फ़नी इतना नहीं है. अंग्रेज़ों के और अमेरिकन जॉक पर हमें वैसे हंसी आती नहीं है, बट दिस चैप्टर इज़ लिटल बिट इंटरेस्टिंग. मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा ज़ूम कर देती हूँ सो यू कैन सी. व्हेन आई गो इनटू द बैंक आई गेट फ्राइटन. मैं डर गया. व्हेन ही फर्स्ट टाइम विजिटेड द बैंक ही गॉट फ्राइटन. द क्लर्क फ्राइटन. क्या क्या इसको फ्राइटन, किस किस चीज़ों ने इसको फ्राइटन किया? द क्लर्क, द डेक्स, द साइट ऑफ द मनी, सारी चीज़ों ने इसको फ्राइटन किया. बैंक में जितनी भी चीज़ें थी इसने हर चीज़ को देखा. एंड ही गॉट फ्राइटन. वो डर गया. अब जब हम डरते हैं तो सब कुछ ख़राब होता है. ज़रा देखते हैं इसने क्या क्या किया. द मोमेंट आई पास थ्रू द बैंक द डोर ऑफ द बैंक एंड अटैम्प्ट टू डू बिजनेस देयर आई बिकम इररिस्पॉन्सिबल फूल. वहाँ पे जाके उसने ऐसे बेवकूफाना हरकत की. ही हिमसेल्फ कॉल अ फूल. अब क्या है इसने हरकत की ज़रा देखते हैं. आई न्यू दिस बिफोर दैट माई सैलरी हैज़ बीन रेस्ट टू $50. ओके गर्ल्स, ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. रिमेंबर दिस, इसकी प्रीवियस सैलरी बहुत कम थी, अब इसका इंक्रीमेंट लगा है. तो कितना इंक्रीमेंट लगा है? $50 अ मंथ.
आई फील दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस. अब जो $50 एकदम से भरे हैं ना, अब उसको लगा आई शुड सेव माई मनी. सो वेयर ही कैन सेव हिज मनी, सो इसने सेलेक्ट किया बैंक इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई कैन सेव माई मनी. सो ही विजिटेड द बैंक एंड ही गॉट फ्राइटेंड. अब क्या होता है, इसकी सैलरी बढ़ गई, ये बैंक जाता है. फर्स्टली वो किससे मिलता है हम देखते हैं. When I walk unsteadily in and look around at the clerk with a fear, I had an idea with a who was about to open an account must necessarily consult a manager. अब आप गर्ल्स बताएं, जब आपको अकाउंट खोलना है आप अकाउंटेंट से मिलेंगे या मैनेजर से मिलेंगे. मैनेजर वो बंदा होता है जो कि बैंक का बड़ा होता है. फॉर इंस्टेंस इन योर कॉलेज मैडम, जो हमारी मैडम और प्रिंसिपल है ना, वो हाई रैंक पर है. अगर आपको कॉलेज में कुछ छोटा छोटा मामला होता है ना, तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, आप टीचर के पास जाएंगे. अगर टीचर नहीं सॉल्व कर पाएगी तो आप वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे. अगर वाइस प्रिंसिपल नहीं सॉर्ट आउट कर पाएगी, फिर कहीं जाके आप मैडम के पास जाएंगे. आप डायरेक्टली मैडम के पास नहीं जा सकते. अगर आप डायरेक्टली मैडम के पास जाएंगे यू विल बी द फूल. ओके, तो इस वाले स्टीफन यू कुक ने भी ऐसा किया. ही वॉन्टेड टू ओपन एन अकाउंट, सो ही शुड हैव मैच विद एन अकाउंटेंट. इसको अकाउंटेंट से मिलना चाहिए था, बट ही वॉन्टेड टू मीट अ मैनेजर. अब इस ये सोच रहा है आई शुड मीट मैनेजर. अब इतना बेवकूफ़ है, जब ये मैनेजर के पास जाएगा. बैंक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हर वक्त खतरा होता है. मतलब बैंक वाले हमेशा इस डर में होते हैं शायद यहाँ पर डाकू आ जाएंगे या पनी चुरा देंगे, कुछ भी हो सकता है बैंक में. अब डायरेक्टली कोई भी मैनेजर से मिल तो नहीं सकता, बट इस फूल को लगता है कि मुझे अकाउंट खोलने के लिए किसके पास जाना है, मैनेजर के पास जाना है. ओके, अब क्या होता है, आई वेंट अप द प्लेस मार्क अकाउंटेंट. अब ये एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लिखा होता है अकाउंटेंट. अब ये यही जगह थी जहाँ इसको अकाउंट खुल जाता, बट ही इज़ फूलिश पर्सन. द अकाउंटेंट वॉज टोल एंड कोल्ड डेविल, द वेरी साइट ऑफ हिम फ्राइटन मी. अब ये अकाउंटेंट को देख कर भी डर जाता है. माई वॉइस साउंडेड एज इट कम फ्रॉम द ग्रेव. कैन आई सी मैनेजर, आई सेड. ही सेड टू होम, ही सेड टू द अकाउंटेंट दैट आई वॉन्टेड टू मीट अ मैनेजर एट इज सॉलिडली अलोन. और ये गलती से कह देता है, वैसे ये कहना नहीं चाहता है अलोन, ये गलती से कह देता है बिकॉज ही इज़ वेरी नर्वस एट दिस टाइम. सो ये कहता है मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ बट अलोन. अब आप किसी से भी अलोन में मिलेंगे तो क्या उसको लगेगा कि खतरा है, शायद ये कुछ सीक्रेट बताना चाहता है. हम देखते हैं, आई डू नॉट नो वाई आई सेड अलोन. अब इसको ये भी नहीं पता था वाई आई सेड दिस थिंग. अब गर्ल्स यहाँ पर आपको सबक मिलता है, यू शुड नॉट बी नर्वस. ओके, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं. अगर आप डरोगे तो आप हर चीज़ें गलत करते जाओगे. आगे ज़रा देखते हैं आगे क्या होता है. सर्टेनली सेट द अकाउंटेंट एंड ब्रॉट हिम. द मैनेजर वॉज काम एंड सीरियस मैन. आई हेल्ड माई 56. पहले इसकी सैलरी क्या थी, $6 थी. अब देखो कितनी बड़ी थी, $50 बड़ी थी. टोटल सैलरी कितनी हो गई, 56. मैं फिर से पॉइंट आउट करके बता रही हूँ गर्ल्स. ज़रा यहाँ पर देखें, मैं ऊपर पॉइंट कर रही हूँ, ज़रा देखें मैं बार बार क्लिकिंग कर रही हूँ. $50 उसकी इंक्रीमेंट लगा था, $6 की प्रीवियस सैलरी थी. टोटल सैलरी क्या हो गई, 56 हो गई. इसके बजेब में से $56 रखे थे. अब आर यू मैनेजर, जब वो मैनेजर से मिलता है एकदम बेवकूफ़ है, उससे फिर से सवाल करता है आर यू द मैनेजर. आई सैड गॉड नोज आई डिड नॉट डाउट इट ही सेड. अब मैनेजर कहता है खुदा को ही पता है मैं इस पर कोई शक नहीं करता. इवन ही वॉज अ मैनेजर, इस पुलिश पर्सन को उससे पूछना नहीं चाहता था कि आर यू मैनेजर. ओके, कैन आई सी आई सेड अलोन. आई डिड नॉट वॉन्ट टू से अलोन अगैन विदाउट हिस वर्ड. द क्वेश्चन सीम अनलेस सीम यूजलेस. ओके, अब वो जो मैनेजर से भी मिलता है उससे पूछ रहा कैन आर यू मैनेजर. अब आर यू मैनेजर के बाद ये जो सेकेंड क्वेश्चन करता है कैन वी टॉक अलोन. अब फिर से उसको भी कह रहे अलोन. अब मैनेजर वैसे ही आम बंदों से मिलता नहीं है, और जब ये कॉमन पर्सन मिल रहा है और उसे कह रहा है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा हूँ, तो आप खुद बताएं क्या फील हुआ होगा उसको. उसको यही फील हुआ होगा कि शायद कुछ डेंजर है, कुछ ना कुछ होने वाला है बैंक को. आप खुद सोचें क्या हुई होगी इसकी हालत. अब
आगे देखते हैं. द मैनेजर लुक एट मी विद सम एंग्जायटी. ही फेल्ट दैट आई हैड टेरिबल सीक्रेट टू टेल. अब मैनेजर को क्या लगा, इसको कुछ सीक्रेट बताना है. कम इन हियर ही सैड. लेट द वे टू द प्राइवेट रूम. मैनेजर को क्या आकार ले जाता है. ही टुक हिम टू द प्राइवेट रूम. ही टर्न द की इन द लॉक. इसने बाकायदा प्राइवेट रूम को क्या कर दिया, लॉक लगा दिया. किसने, मैनेजर ने प्राइवेट रूम को भी क्या कर दिया, लॉक लगा दिया. वी आर सेफ फ्रॉम द इंटरप्शन हियर. ही सेड सिट डाउन. वी बॉस सेट डाउन एंड लुक एट ईच अदर. हाउ फाउंड नो वॉइस टू स्पीक. यू आर वन ऑफ द पिकर्टन डिटेक्टिव. डिटेक्टिव आपको सबको पता है, जासूस को कहते हैं पिकर्टन. जैसे ISI एक एजेंसी का नाम है, पिकर्टन भी एक एजेंसी का नाम है. वो उसे पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, मैनेजर इज आस्किंग टू द पर्सन दैट आर यू फ्रॉम द पिकर्टन ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें सबको पता है ये एक कॉमन सा पर्सन है, ये कोई डिटेक्टिव नहीं था. ये सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आया था. एक तो उसने मैनेजर का टाइम वेस्ट किया, उसको प्राइवेट रूम में ले गया, प्राइवेट रूम ने दो रूम को लॉक किया. और मैनेजर को क्या लग रहा है, ये डिटेक्टिव है. आई सपोज ही सैड माई मिस्टीरियस मैनर हैड मेड हिम थिंक दैट आई वॉज डिटेक्टिव. आई सैड वॉट ही वॉज थिंकिंग इट मेक मी वर्स. नो नॉट फ्रॉम द पिकर्टन. आई से सीम टू मीन दैट आई वॉज फ्रॉम राइवल एजेंसी. राइवल का मतलब है दुश्मन. ओके, अब वो जो पिकर्टन से नहीं था तो मैनेजर को क्या लगा, ये शायद दुश्मन की एजेंसी से. अब देखो मैनेजर को लग रहा है ही इज़ फ्रॉम एजेंसी, ये हमारे बैंक में आया. ही वॉन्टेड टू रिवील सम सीक्रेट. मे बी बैंक को कुछ होने वाला है. अब जब मैनेजर को सोचें गर्ल्स, जब मैनेजर को पता चलेगा ही वॉन्टेड टू ओपन एन अकाउंट और सिर्फ $56 ही बैंक में रखवाना चाह रहा है, तो मैनेजर की क्या हालत होगी. सोचें मैनेजर शायद इसको मारे, शायद गुस्सा करे. क्या बैंक वालों को आपने कभी गुस्सा करते हुए देखा है. ओके, ये था माय बैंक अकाउंट. आज सिर्फ मैंने फर्स्ट पेज पढ़ाया है, कल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.